इस हफ्ते हम एक और मोटिवेशनल स्टोरी देखेंगे, अ न्यू मोटिवेशनल स्टोरी विद अ न्यू मॉरल। ये कहानी है एक बिलियनर की, जो कि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बिलियनर में से एक था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके आंखों में जलन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी आंखों को क्या हुआ है। वह डॉक्टर को बुलाता है और अपनी आंखों के कंडीशन के बारे में बताता है। तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि आपको ब्राइट लाइट से दूर रहना है एक महीने तक, ताकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो नेचुरली हो। साथ ही वो अपना ट्रीटमेंट भी चालू कर देंगे ताकि जो आंखों की रिकवरी है वो जल्दी हो जाए। उसी वक्त बिलियनर अपने सारे घर पर कर्टन्स लगवा देता है और जितने भी उसके रूम्स थे उसमें डार्कर लाइट्स वर रिप्लेस्ड बाय डल लाइट्स। एक महीने बाद जब डॉक्टर अपने पेशेंट यानी बिलियनर को देखने आता है तो वो आश्चर्य हो जाता है। देखता है कि सारे घर पर डलनेस ही फैली हुई है। वो उसे कहते हैं कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, इससे अच्छा आप एक काला सनग्लासेस ही ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता, पैसे भी बच जाते थे। जिस तरह हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, उसी तरह और लोगों के भी लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। वी सी मेनी मिस्टेक्स एंड एरर इन अदर्स एंड ट्राई टू चेंज देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड एज पर अस। वी आर इंटरेस्टेड इन इम्पोजिंग अवर ओपिनियन एंड थिंकिंग ऑन अदर्स सच दैट वी आर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु आर लिविंग एररलेस एंड फ्लॉलेस इन दिस वर्ल्ड। हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि देर आर अदर पीपल हु शेयर दिस वर्ल्ड इक्वली एंड हैज अ सेम सिमिलर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। बिफोर चेंजिंग द सोसाइटी इट इज वी हु नीड टू चेंज एज पर द न्यू मॉरल एंड द नेसेसरी। चेंज ऑकर्स ओनली वेन इट स्टार्ट विथ अस, देन इट कैन बी स्प्रेड टू अदर्स। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर दें। Thanks.